हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी टू सी का क्वेश्चन नंबर 1 और 3। तो दोस्तों, इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे सारे पर्सनालिटी का किया हुआ सॉल्व वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 2x³ + x² + x को 1 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो दोस्तों, आपको भागफल बताना है, तो भाग किससे देना है आपको, तो 1 से भाग देना है। एक से भाग देंगे, किसमें देना है, 2x³ + x² यानी x में भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो भाग देना है हमको, x से भाग देना है, और किसमें देना है, तो 2x³ में देना है। तो सबसे पहले हम x से किसमें भाग देंगे, 2x³ में भाग देंगे। तो दोस्तों, हमारे पास तो एक x है, लेकिन हमको x कितना चाहिए, तो 2x³ यानी कि 2x³ चाहिए। तो हमारे पास तो x एक है, तो और कितना x चाहिए हमें, तो 2 चाहिए। तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे, x² / 2 से करेंगे, गुना करेंगे तो 2 × 1 = 3 यानी कि x² / 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो कोई अंक नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर 1 है और हमको चाहिए क्या, 2 चाहिए। तो अगर 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तब तो जाकर 2 होगा, तो यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे, तो इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 और x³ यानी कि हमारा मान आएगा 2x³। जैसे हम भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, मान लीजिए 5 से भाग देना है, तो हम 5 से किस में गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तब जाकर हमारा 35 आता है। तो वही तो हम यहाँ पर लिखते हैं ना, और ये 7 कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यानी कितना बार गया। तो वही बात हम कितना बार में ले जा रहे हैं, 2x² बार में ले जा रहे हैं, और हमारा कितना आ रहा है, 2x³ आ रहा है। तो हम लेकर कितना बार में जा रहे हैं, 2x² बार में लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पे ये प्लस मेरा है, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, और ये प्लस ऊपर वाला, ये माइनस वाला, घटेगा तो 0 आएगा, यानी कि हम इसको काट देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, तो ये प्लस में है तो हम इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास तो एक्स है और हमको चाहिए x² चाहिए, तो x तो है, तो कितना से हम गुना करेंगे क्या जाकर ये x² हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 1 से गुना करेंगे तभी तो जाकर हमारा क्या होगा, x² होगा। तो हम x से कितना बार में इसको भाग देंगे, तो x बार में देंगे, तब तो जाकर हमारा x² आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा होगा x², ये चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x, ऊपर से क्या उतारेंगे, x उतारेंगे। तो दोस्तों, हमें भाग किससे देना है, x से देना, और किस में देना है, x में देना है। तो x से भाग x में देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। जैसे हम 5 में 5 से भाग देते हैं तो कितना बार में जाते हैं, 1 बार में, उसी तरह हम, तो वैसा ही हम x से x में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। अगर t से t में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वैसा ही हम x से x में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में, और ये चिन्ह चेंज हो गया, माइनस और ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये हो गया, ये क्या हो गया, भागफल हो गया। आपसे पूछ क्या रहा था, भागफल पूछ रहा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 से भाग देना है। किससे देना है, x - 1 से आपको क्या करना है, भाग देना है। किसमें देना है, तो 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 को भाग देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, x - 1 से आपको इसमें भाग देना है। तो दोस्तों क्या करना है, हमें इससे भाग देना है। तो देखिए दोस्तों, हमको लाना कितना है, 3x⁴ लाना है। हमारे पास है क्या, हमको लाना है 3x⁴ और हमारे पास है x - 1। ठीक है दोस्तों, तो हमें चाहिए क्या, 3 चाहिए और x⁴ कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो हमारे पास तो एक एक्स है, तो कितना एक्स का जरूरत है, 3, यानी कि x³ का जरूरत है। तो 3 से गुना करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तब तो हम 3 से गुना करेंगे, तभी तो जाकर हमारा 3 आएगा। तो हम किससे गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे। आप देखिए, इससे आप इसमें गुना कीजिएगा, 3 × 1 यानी कि 3 × 1 = 3 और x³ हो जाएगा, और इसका प्लस इसका माइनस माइनस होगा, इसका प्लस प्लस लिखेंगे इधर, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और ये x³ और 1 = 4, ये प्लस नहीं लिखते हैं। तो हमारा दोस्तों, यहाँ पे हमको सिर्फ इसको बराबर करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बराबर करेंगे तो हमारा आ गया है 3x⁴ - 3x³। ठीक है दोस्तों, हम कितना बार में ले गए हैं, तो 3x³ बार में ले गए हैं। तो ये चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, 4 में से
थ्री एक्स क्यूब जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस एक्स क्यूब बचेगा, और ऊपर से हम क्या उतरेंगे, थ्री एक्स उतरेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वन है और हमको लाना है माइनस में एक्स क्यूब लाना है। तो माइनस में लाने के लिए दोस्तों तो हम माइनस रखेंगे तभी तो जाकर हमारा माइनस आएगा। एक हमारे पास एक्स है, एक्स का कितना जरूरत है, एक्स के पावर टू का जरूरत है, तो वन रखकर गुना कर देंगे। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसको गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, इसको कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, और एक्स के पावर दो और एक तीन, तो ये आपका आगे एक्स के पावर तीन कितना बार में लगे हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर बार में ले गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आया है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा सेम है, और ये नहीं कटेगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये थ्री एक्स है, दोनों अलग है इसलिए नहीं कटेगा, दोनों को हम उतार देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और ये माइनस थ्री एक्स। ठीक है दोस्तों, ये उतर जाएगा। फिर हम भाग देंगे, एक्स माइनस वन से भाग देंगे, हमको लाना क्या है, एक्स स्क्वायर लाना है, माइनस में लाना है, तो माइनस में लाने के लिए माइनस से गुणा करेंगे। हमारे पास एक एक्स है, कितना एक्स का जरूरत है, दो, तो एक है तो एक चाहिए, हम एक एक्स से गुणा करेंगे, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, एक पावर इसका एक पावर दो हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया है और प्लस एक्स आ गया, कितना बार में लगे हैं तो माइनस एक्स बार में, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, चार एक्स होगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर से क्या उतरेगा, माइनस वन उतरेगा, ये माइनस फोर एक्स माइनस वन है, तो हमें किससे भाग देना है, एक्स माइनस वन से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम कितना बार में अब इसको ले जाएंगे, तो माइनस लाना है तो माइनस से तो गुना करेंगे, कितना चाहिए, एक्स चाहिए हमारे पास, तो एक्स है नहीं तो एक्स से तो गुना नहीं करेंगे, फोर चाहिए, यहाँ पर वन है तो वन में चार से गुना करेंगे, तो अभी तो जाएगा चार एक्स होगा, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस चार और ये माइनस फोर एक्स, तो दोस्तों ये गुना कीजिएगा तो ये फोर एक्स और ये प्लस चार, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, ये कितना बार में लगे हैं, फोर बार में लगे हैं, माइनस फोर बार में। ठीक है दोस्तों, ये आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, आपका भागफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और शेषफल ये आपका हो जाएगा।